शख्स एक सक्सेसफुल इंसान को आप कैसे डिफाइन करोगे? जिसके पास रुतबा हो, शोहरत हो, पैसा हो। लेकिन मेरे लिए एक सक्सेसफुल इंसान वो है जिसके पास पावर ऑफ चॉइस और फ्रीडम हो। लेकिन क्या आज़ादी के 75 साल बाद भी हम लड़कियों के पास अपने पसंद के कपड़े पहनने की आज़ादी है? नहीं। चाहे मैं अबाया पहनूं, चाहे मैं साड़ी पहनूं, मैं मॉडेस्ट कपड़े पहनूं जो कि मेरी बॉडी को ढके रखते हैं, या फिर रिवीलिंग कपड़े पहनूं, इट्स माय चॉइस, राइट? लेकिन क्या हमारी फैशन इंडस्ट्री इन कपड़ों में हमें चॉइसेस दे रही है? नहीं। हिजाब के ऑप्शंस का तो छोड़िए, अगर हम बात करते हैं ऑफिस वेयर, मॉडेस्ट कैजुअल वेयर और स्पोर्ट्स वेयर की या फिर स्विम वेयर की, देन देयर इज नो चॉइस। सो इसीलिए पावर ऑफ चॉइस देकर मॉडेस्ट कपड़ों से एम्पावर करने के लिए मैंने स्टार्ट किया फॉरएवर मॉडेस्ट। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम सना फरहीन है, मैं औरंगाबाद से हूँ और मैं फाउंडर हूँ फॉरएवर मॉडेस्ट। फॉरएवर मॉडेस्ट इंडिया का पहला मॉडेस्ट क्लॉथिंग ब्रांड है जो सिर्फ कैजुअल वेयर ही नहीं, मॉडेस्ट स्पोर्ट्स वेयर, मॉडेस्ट ऑफिस वेयर और एज वेल एज हम लोग अब स्विम वेयर पर भी काम कर रहे हैं। इंडिया के बाहर तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिन्होंने मॉडेस्ट फैशन में धूम मचाई हुई है, लेकिन हम इंडियंस के लिए उन ब्रांड्स को खरीदना बहुत महंगा होता है। मेरे कपड़े अफोर्डेबल होने के साथ साथ स्टाइलिश एंड ट्रेंडी भी है, और हम लोग वाइड वैरायटी इन कलर्स के साथ साथ साइजेस भी कस्टमाइज देते हैं जो कि 10XL तक होते हैं। आप हमारे कोट्स, अबाया, कॉट सेट्स और सारे प्रोडक्ट्स हमारी वेबसाइट forevermodest.in और हमारे इंस्टाग्राम forevermodest.in से खरीद सकते हैं। मैंने 2021 में फॉरएवर मॉडेस्ट की शुरुआत की थी और मैं अब तक 2761 प्रोडक्ट सेल कर चुकी हूँ। फॉरएवर मॉडेस्ट को मैं एक मेन स्ट्रीम फैशन कैटेगरी बनाना चाहती हूँ और फिर फॉरएवर मॉडेस्ट के साथ उसको डोमिनेट करना चाहती हूँ। मॉडेस्ट फैशन सिर्फ किसी कम्युनिटी को कैटर नहीं करता, मॉडेस्ट फैशन कोई भी पहन सकता है। शार्क्स, मेरी आस्क है 20 लाख इन एक्सचेंज ऑफ 10% इक्विटी। फॉरएवर मॉडल स्टार्ट करना वाज माय चॉइस, इसमें इन्वेस्ट करना विल बी योर्स। अमेजिंग। सना, आपका सीजन 2 के फिनाले में स्वागत है। थैंक यू एंड कांग्रेचुलेशंस ऑन सेलिंग 2761 प्रोडक्ट्स। थैंक यू सो मच। ये ख्याल आपके दिमाग में कैसे आया और कब आया? बेसिकली मैं एक फेंसिंग चैंपियन हूँ। और वाओ, अमेजिंग। ये आप हैं? यस। द सॉर्ड भी लेकर आई हूँ, इफ यू वांट टू सी। यस 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 यस। देखिए सना, अब तो फंडिंग करनी पड़ेगी हमें। तलवार लेके खड़ी हूँ। एम्पावरमेंट की तलवार। अरे वाह। यस। इसका कोई वर्ड होता है? कोई जैसे हु हा टाइप्स कोई? नहीं नहीं, हां इसमें होता है प्रे आले। प्रे आले कहते हैं। करो एक बारी करो। ऑन गार्ड। ओ ओ, वेल डन। गुड। थैंक यू। गुड जॉब। गुड जॉब। हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 23। ओह माय गॉड। सो यू वांट टू कीप द स्वॉर्ड और यू वांट टू कीप इट? या। वो एंड में वापस ले आना, डील के टाइम पे नेगोशिएशन। सना, तो आप अपनी कहानी बता रही थी कि आपको ये ख्याल कैसे आया? जब मैंने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया तो फिर मुझे स्पोर्ट्स वेयर मिलते नहीं थे जल्दी। स्किन टाइट होते हैं यूजुअली और टी शर्ट्स के लेंथ भी मतलब कंफर्टेबल नहीं होते। सो अगर जो लड़कियां लाइक बॉडी रिवीलिंग में कंफर्टेबल नहीं है तो उनके लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। ये कब की बात है जब ये ख्याल आया? 2017। अच्छा, और आपने शुरू कब किया फिर? 2021 में किया, जब मैं इंजीनियरिंग से पास आउट हुई। आपने सीधा शुरू कर दिया आफ्टर कॉलेज? हाँ, मतलब पहले से मैं, मेरी मम्मी एक्चुअली फैशन डिजाइनर है तो वहाँ से स्टार्ट तो हो चुका था। पर आपको डर नहीं लगा कि अभी आपने कभी बिजनेस नहीं किया है कि एकदम से बस आपने सोचा कि मैं शुरू स्टार्ट नहीं करूँगी तो पता कैसे चलेगा?
गुड आंसर। आप इतनी यंग एज में इतनी अच्छी बातें कर रहे हो। सना, यहाँ मुझे जो बहुत अच्छा लगा कि आपने मॉडर्स्ट कपड़े बनाए हैं जी, पर फिर भी वो जो ट्विस्ट है द वेस्ट, वो जो एक फ्लो है, और आपने कलर्स भी बहुत ब्राइट यूज किए हैं। यस। सो एज समबडी हु एंजॉयज फैशन, हैट्स ऑफ टू यू। यस, थैंक यू सो मच। आपका कोई इंस्टा पेज है जहाँ हम देख सकते हैं? यस। कितने फॉलोअर्स है? 15,000 प्लस। वाह, नॉट बैड। इट्स वेरी गुड। बहुत बढ़िया। अब सेल्स के कुछ नंबर बताएं। अक्टूबर 2021 में मैंने स्टार्ट किया, लास्ट ईयर का हमारा 12 लाख का सेल रहा है, और नेट रेवेन्यू 12 लाख था जो आपने। यस, इस साल का अभी तक 15,61,000 है। 15,61,000। लाइक हाउ डिटेल ओरिएंटेड यू आर। सना, लास्ट मंथ कितना किया? 4,20,000। सो यू आर ऑन अ रन रेट ऑफ 50 लाख। और ग्रोथ कैसा है आपका पिछले 2-3 महीने? एक्चुअली हम लोगों ने कुछ वाइट लेबल के कंसाइनमेंट लिए थे, तो उस वजह से सेल्स के नंबर्स काफी ऊपर गए हैं। यू आर ऑल अलोन या आपके पास टीम है? मेरे पास टीम है, मेरी मॉम और उनके साथ कुछ फैशन डिजाइनर्स है, कुछ टेलर्स है, तो मार्केटिंग में भी हमारे पास लोग है। तो सना, आपका कंज्यूमर कौन है और उनकी और क्या नीड्स हैं? सबसे पहले तो 16 इयर्स से लेके 30 इयर्स के बीच में ज्यादातर ऑर्डर्स होते हैं, और जिस कंसाइनमेंट्स की मैं बात कर रही थी वो तो फॉरेन कंसाइनमेंट्स भी हमने किए हैं विद लंदन एंड सर्बिया। आप अभी इंडिया में ब्रांड बनाना चाहते हैं, इसको बाहर ले जाना चाहते हैं? बाहर भी ले जाना चाहती हूँ, पर पहला मेरा लाइक यू नो प्रायोरिटी रहेगा कि इंडिया पे ही मैं करूं। तो ये जो आप सेल कर रही हैं, इसके अंदर अभी कुछ B2B ऑर्डर्स भी हैं जी। वो कितना ऑर्डर है? जैसे आपने कहा 5 लाख की सेल है। इट्स अराउंड 3.1। अच्छा, B2B था। मैक्सिमम सेल अभी आपका एक्सपोर्ट से आ रहा है जी। सना, एक क्वेश्चन है मेरे को कि इसमें इंडिया में और ब्रांड्स भी हैं जो सिमिलर? ब्रांड नहीं है कोई, इंडिया के बाहर बहुत सारे ब्रांड्स, जैसे नाइकी ने अभी उसके खुद के मॉडल स्पोर्ट्स वेयर लॉन्च किए हैं, उसके अलावा DKNY, मैंगो। बट ये थोड़ा एडिडास का ही लग रहा है मुझे, आपके ब्रांड का नहीं लग रहा है। नो, इट्स फ्रॉम माय ब्रांड। नहीं, ये जो 3 लाइंस है ना स्ट्राइप्स। हां, दिस इज राइट। ये आप ना ध्यान से करना, क्योंकि क्या होता है ना, ये 3 लाइंस ना पेटेंट है एडिडास की। ओके, हां, थोड़ा ब्रांड इंफ्रिंजमेंट हो जाता है। अगर हम वर्ल्ड वाइड मार्केट देखें तो इसकी मार्केट ग्रो हो रही है। यस, अभी एक रीसेंट सर्वे के अकॉर्डिंग $2.5 trillion होगा 2024 तक। नहीं, वो $2.5 trillion बहुत ज्यादा है यार। इंडिया का GDP 3.4 trillion है। मॉडर्न क्लोथिंग? नो, आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड वाइड मार्केट। हाँ, फिर भी। यस, फिर भी नहीं हो सकता। इंडिया में आपके हिसाब से कितना बड़ा है ये मार्केट, कहाँ फैला हुआ है? मतलब आपको लगता है पूरे देश में ये मार्केट बनेगा? मुझे लगता है पूरे देश में बनेगा, बिकॉज सो मेनी गर्ल्स लव रेड पैंट एंड लूज जैकेट्स, एवरीवन लव्स दैट। रेशो मेरे दोनों भी कस्टमर्स के, लाइक यू नो कम्युनिटी से जो है वो भी है, और कम्युनिटी से बाहर के कस्टमर्स है दोनों। अच्छा, की वो है। भी वो भी है। यस यस। सना, मैं आपको एक ऑफर देना चाहूंगी। वाओ। फर्स्टली मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ आपकी स्टोरी से, और स्पेशली बोथ ऑफ यू, थैंक यू, म्यूचुअल लव। वो जो आपने एक्सप्रेशन यूज किया वो बार बार मेरे दिमाग में घूम रहा है, पावर ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ये है कि ये स्केल करना बहुत मुश्किल होगा गिवन हाउ क्लटर्ड द मार्केट इज, तो इसमें टू बी वेरी ऑनेस्ट पैसे बनाने में मुझे बहुत टाइम लगेगा। तो एज अ टोकन, एज मेंटोरशिप, आई वुड लाइक टू ऑफर यू 5 lakhs फॉर 5% इक्विटी एंड बैलेंस 15 lakh एज डेट एट 12% इंटरेस्ट रेट। चलिए, कांग्रेचुलेशंस सना, यू हैव एन ऑफर। बहुत मजा आया आपसे मिलके, और आपको नमिता ने ऑफर भी दे दिया। इट्स अ गुड ऑफर। आई एम आउट फॉर नाउ, बट एक सजेशन देना चाहूंगा कि कभी कभी क्या होता है, जब आप बहुत अच्छा करने लगते हो ना, तो बड़े ब्रांड्स स्टार्ट नोटिसिंग यू, एंड दैट इज वेयर यू कांट यू नो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द डिजाइन ट्रेडमार्क्स दे माइट बी हैविंग।
बट आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू. मेरे एक दो सवाल, आपका जब लास्ट मंथ का रेवेन्यू अपना 4.2 लाख, क्या उसमें प्रॉफिट था आपका? ग्रॉस मार्जिन जो है वो 40% है, नेट मार्जिन इज 25%. ये किस प्राइस रेंज के अपने कपड़े? अप टू इट्स 3000. और इसमें सबसे कम और ज्यादा कौन सा है इसमें? सबसे कम दैट ग्रीन वन जो हम 1499 में बेचते हैं. 1500 से 3000 की रेंज के कपड़े अपने पास. आपको आगे जाके इस बिजनेस के साथ, ब्रांड के साथ क्या करना? इस साल मेरा टारगेट है कि हम लोग एटलीस्ट 50 लाख करें. 3 साल में कितना करेंगे? मैं तो बोलो बोलो, डोंट वरी, यू आर अ गो गेटर. सिर्फ मल्टी बिलियन कंपनी बनानी है. $multi-billion. अब बात हुई ना. लेकिन सना, आपसे मिलके बहुत ही मजा आया, बहुत ही कॉन्फिडेंट, इंस्पिरेशनल लग गया. और मेरे लगा नया भारत दिख रहा है मेरे को आपके अंदर. आपने व्हाइट स्पेस ढूंढी क्लोथिंग कैटेगरी में, मॉडर्न क्लोथिंग. मैं आपके जरिए चाहूंगा, मैं इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट कर रहा हूँ, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को मैं बहुत सपोर्ट भी करता हूँ खुद पर्सनली. आई वांट टू सी हाफ द कंट्री कमिंग टू द वर्कफोर्स. तो बिल्कुल मैं आपको सपोर्ट करना चाहूँगा. B2C में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मेरे व्यू में, और अपने को मार्केट प्लेसेस यूज करने पड़ेंगे, पर एक लार्जर विजन देखना पड़ेगा. अभी जवाब कच्चे हैं पर मिलकर पूरे कर लेंगे. मैं आपको ऑफर देना चाहूँगा 20 लाख आपको जो चाहिए वही, एट 20% 1 करोड़ की वैल्यू लगाई मैंने आपके बिजनेस. क्या बात है, क्या बात है. अरे आप 20% इक्विटी मत दीजिए इतना जल्दी. तो सना, मैं अग्री करती हूँ अमित से. आपने जो मार्केट पकड़ा है, अफोर्डेबल बट फैशनेबल, यस, मॉडेस्ट क्लोथिंग बहुत पावरफुल है, पर आपकी प्रिपरेशन काफी वीक है. आप थोड़ा थोड़ा मुझे लगता है डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो बीच बीच में. जैसे आपने बोला कि हम इंडिया में भी बाहर भी बनाएंगे, अभी आपने स्टार्ट किया था कि बाहर तो बहुत है, हम इंडिया के लिए बना रहे हैं. इंडिया बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, इतने अर्ली स्टेज पे ना डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते. Having said that, I can help you brand pay. क्या बात? तो I don't mind joining his deal if he's okay with that. Yeah, of course. तो मैं और अमित आपको ऑफर करते हैं जो आपने आस्क किया था, 20 लाख रुपीस फॉर 20% ऑफ द बिजनेस. देखिए सना, आपके पास काफी ऑफर्स हैं. मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आपको एक कंज्यूमर सेगमेंट को टारगेट करना चाहिए विच रिलेट्स टू दिस क्लोदिंग. बट उसके बाद आपको और प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करने चाहिए उस कंज्यूमर सेगमेंट के लिए. Yes. नहीं तो क्या है, जो टारगेट मार्केट साइज है वो लिमिटिंग हो जाएगा. इसके अंदर काफी गाइडेंस की जरूरत लगेगी. आई थिंक यू हैव गुड ऑफर्स, और इसलिए मैं इससे अभी बाहर होना चाहूंगा. चलिए देखिए सना, मुझे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई कि आप मार्केट के बारे में प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे. आई विल वर्क ऑन इट. दूसरी बात, मुझे ये भी लगा कि आपके बिजनेस फंडामेंटल्स काफी कमजोर हैं, जैसे कि आपकी पोजिशनिंग इज ऑल ओवर द प्लेस. शुरू में एक क्लैरिटी बहुत जरूरी होती है, एक शार्पनेस होता है ना, वो बहुत जरूरी होता है. वो देख रही होती है मेरी तलवार का है. अनुपम में तलवार चलानी है अभी आपको. तो आज मैं ये कहूंगा कि आप में काफी मासूमियत, मेहनत और एक मकसद भी है. एक माँ भी मिल गई आपको, नमिता की एम आ गया. अभी एक और एम जुड़ता है आपके साथ, मित्तल. तो एक, लेकिन नमिता जी, इफ यू वांट, आई थिंक वी शुड टेक अवे द डेट एट दिस स्टेज एंड चेंज इट टू 20 लाख फॉर 20%. आई एम ओके विद दैट. सना, टेक योर तलवार, गो डिसाइड. आई हैव टू ऑफर्स. But so मुझे कौन सा पैर चूज करना, I don't know because I love them all. चलो सना बताइए. पहला काउंटर ऑफर मेरा ये है कि पहला काउंटर ऑफर मतलब आप मल्टीपल देने वाले हो. मैं अब चारों के साथ जाना चाहूंगी. And valuation कितना पैसा बताइए? Yes, 20 lakh for 20%. I'm okay with this. Are you three okay? Yes, yeah, let's do it. 100, 100.
birthday. Yes. कैसे करते हैं? और शाम जैसे भी करो. शख्स जब हम पैदा होते हैं तो हमारी पेरेंट्स हमारी हर एक छोटी छोटी चीज बहुत खुशी खुशी कर लेते हैं. जैसे हमारा पॉटी सुसुकली करना भी उनके लिए खुशी ही होता है. लेकिन लाइफ में हमेशा रोल रिवर्स हो जाता है. जब वही जरूरत अपना पेरेंट्स को होता अपने बच्चों से तो उनका डिग्निटी हर्ट हो जाती है. ऐसी एक इंसिडेंट में देखी थी जब मैं एक हॉस्पिटल में गई थी. मैंने वहां एक मोबिलिटी इंपेयर्ड पेशेंट को देखा जो टॉयलेट यूज करना चाहता था. He had two daughters on his either side to lift him, place him on the wheelchair, take him to the toilet. फिर व्हीलचेयर से उठाकर उन्हें कमोड पर बिठाया गया. The toughest part comes here. पेशेंट को क्लीन कौन करेगा? जब उनमें से एक बेटी अंदर गई साफ करने के लिए तो पेशेंट रोने लगा ये बोलकर अभी मैं बेटियों का ऊपर बर्डन बन गया हूं. ये सिर्फ ओल्ड एज में नहीं ये किसी को भी हो सकता है. एक छोटा सा एक्सीडेंट हमको कंप्लीटली डिपेंडेंट बना सकता है. भारत में 3 करोड़ मोबिलिटी इंपेयर पेशेंट्स हैं. उनमें से 10 मिलियन लोगों को टॉयलेट जाने में मदद की जरूरत पड़ती है. करीब 4% लोगों की मौत हर साल टॉयलेट ले जाने आने के बीच में हो जाती है. क्या इसका कोई उपाय है? जी हाँ बिल्कुल. मैं श्रुति बाबू फाउंडर एंड सीईओ धनवंतरी बायोमेडिकल लेकर आई हूँ सहायता. सहायता मोबिलिटी इम्पैक्ट पेशेंट्स का सहारा है. सहायता वर्ल्ड्स फर्स्ट व्हीलचेयर है जिसमें डिफिकेशन क्लेंजिंग असिस्टेंस है जिसे पेशेंट्स अपने आप साफ कर सकते हैं. सहायता जिन पेशेंट्स के लिए है जैसे पैरालिसिस पेशेंट पार्किंसंस पेशेंट उनके लिए सहायता उनके डिफिकेशन प्रोसेस को मच इजियर हेल्थियर हाइजीन और डिग्निटी के साथ करने के लिए मदद करता है. सहायता यूज करने से नंबर ऑफ केयर टेकर्स हम 3 से 1 कर देता है. नंबर ऑफ ट्रांसफर्स भी और उनके साथ फॉल्स को भी हम 90% तक कम कर देता है. सहायता को मैं अपने फादर के साथ 5 years रिसर्च करके आफ्टर 118 प्रोटोटाइप्स बनाने के बाद हम लोग ये 4 months बिफोर मार्केट में लॉन्च किया है. सहायता का ऑर्डर हम व्हाट्सएप में डायरेक्टली और वेबसाइट से भी हम बेचते हैं. वी आर ऑल्सो लिस्टेड इन अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट. हमारा विजन यही है हम सहायता से मोबिलिटी इम्पैक्ट पेशेंट्स के क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज कर सके. Our ask is 1 crore for 10%. Shucks, let me show the demo of the product. So, jin log completely immobile hota hai, bedridden hota hai, for example, un logo ke liye hum sahayata kaise transfer karne mein madad karta hai. Inko completely stretcher ki taraf banaya jaye. इसको निकालने से पेशेंट कैन स्लाइड इफ देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ मोबिलिटी. इसको बोलता है रिक्लाइन कमोड व्हीलचेयर. तो इससे आप पेशेंट को बाथरूम लेके जा सकते हैं. मैम पेशेंट को बाथरूम लेके जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पेशेंट को टॉयलेट इसमें ही कर सकता है. मैं है? आपको दिखाती हूँ. ये लिड होता है सहायता का ऊपर. इसको हम रिमूव करेंगे. उसके बाद इधर होता है टॉयलेटिंग का पूरा पोर्शन. जब पेशेंट बैठता है इसमें स्प्रे जेट है. स्प्रे जेट क्या करता है
300 ml of water को बॉडी के ऊपर स्प्रे करता है और बॉडी को पूरा वॉश करता है आफ्टर यूरिनेशन एंड आफ्टर डिफिकेशन। ये कम्प्लीटली बैटरी ऑपरेटेड है। ऑन करने के बाद ये क्लेंजिंग का स्विच है, इसको एक टाइम प्रेस करने में पानी जेट स्प्रे 300 ml आ जाती है। आई जस्ट वॉन्टेड टू हाईलाइट ये कलेक्ट किधर होता है, मैं दिखाती हूँ आपको। दिस इज हाउ वी रिमूव द कमोड एंड वी हैव गिवन द लिड। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि वॉटर किधर पे। ये 3 liters का कैन है जिसपे 8 times वॉश हो जाती है। इन 7 hours ऑफ चार्जिंग एक महीना हम इस्तेमाल कर सकते हैं। Wow. Attention to detail बहुत है आपकी। Very smart, very smart. तो ये आपने खुद बनाया है? Yes, right. It is a patented product. So we have filed an Indian patent, design patents, PCT covering 140 countries, US patents and also the trademark. वो grant नहीं हुआ है ना patent अभी तक? It is patent pending. It's in the final stages of getting it granted. Shruti, right? Yeah. Welcome to Shark Tank. आपका प्रोडक्ट डेमो बहुत अच्छा था। आपने कहा कि पिताजी के साथ आपने 5 साल इस पे काम किया, तो पिताजी के साथ कैसे जुड़े आप ये काम में, मतलब क्या हुआ? So basically I'm a biomedical engineer और मेरा पापा मैकेनिकल इंजीनियर है सर। So हमेशा पापा एक स्पेशल पर्पस मशीनरी मैन्युफैक्चरर है। So हमेशा I have seen him as a hero. So sorry. No problem. I lost him recently. Oh, so sorry. I'm really sorry for your loss, Shruti. Extremely. That's okay, sir. Deeply. और specially आपने काम किया इस उपकरण पे उनके साथ। आपको पानी चाहिए? सर मैं एक एक्सपो में पार्टिसिपेट कर रही थी तो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम होम, पापा का तबीयत खराब है तो जल्दी आ जा। मैं आ नहीं पाई सर। आई कंप्लीटली गॉट शैटर्ड। हम दोनों मिला के बहुत सारे, मतलब हम लोग को टाइम ही नहीं पता चलता था रात। ये कब की बात है, मैं पूछ सकता हूँ आपसे श्रुति? January 5th and after 3 days I decided I'll just get back to office. मेरे पूरा फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा ऊपर था and immediately after 3 months I decided to launch सहायता। आप बहुत स्ट्रांग हो। The loss is devastating, so really feel your pain. Sorry. Very sorry about this. It's okay, sir. Shruti, ये chair कितने की है? सहायता 2 variants में आती है। ये 39,999. The upper one V200, which is 29,999. So ये 100 model में we have a recline feature. जो 200 variety हम लोग ने लगा है, जिसको mobility थोड़ा सा है उसके लिए। तो नॉर्मल व्हीलचेयर कितने की आती है? सो नॉर्मल व्हीलचेयर स्टार्ट्स फ्रॉम 5000। सो क्या होता है मैम, नॉर्मल बेसिक व्हीलचेयर आपने ले लिया, उसके बाद आपको एक इमोबाइल पेशेंट के लिए कमोड व्हीलचेयर लेना पड़ेगा, उसके बाद उसको 2 caretaker की जरूरत है और 1 caretaker अभी इज कॉस्टिंग यू 1000 rupees पर डे एंड ईयरली इट्स स्टिल वेरी वेरी एक्सपेंसिव। So, उसके लिए we have validated how much price the patient is willing to pay during the clinical validation. ये जो problem है मैंने खुद ने face करी, हमारी दादी थी, अब वो इस दुनिया में नहीं है। आखिरी की 10 साल वो immobile थी। और जो आप बोल रहे हो ना, बेड से उठा के मैं करता था वो काम, उनको यहाँ रखना, and it was very difficult for her. उस time ऐसी कोई chair मेरे को मिली भी नहीं थी। मतलब मेरे को तो बहुत ही ज्यादा यूजफुल चीज लगी। एल्डरली सबके घर में होते हैं, तो अटेंशन टू डिटेल आपकी बहुत ही सॉलिड है, मतलब काबिले तारीफ। फाइटर हो आप, परसिस्टेंट हो, बहुत स्ट्रांग वुमन लगी मेरे। मैं सेल्स वैसे बहुत पूछता हूँ यूनिट इकोनॉमिक्स पर्सनली। मैं आज नहीं पूछ रहा हूँ कि आपका 4 महीने पुराना प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की नीड है मार्केट में, प्रोडक्ट बिकेगा,
मार्जिन वगैरह बना लेंगे, मैं हेल्प कर देता हूँ ऑब्वियसली इसके डिस्ट्रीब्यूशन में। आपने मांगा है 10% 1 करोड़ के लिए, मैं कोई नेगोशिएट नहीं करना चाहता, 1 करोड़ 10% पे। वाओ। सेकंड पॉइंट है, आपको इस जो मैं सम दूंगा उससे, क्योंकि आपके इनकम सोर्स नहीं, आपको 1 लाख रुपी मंथ सैलरी निकालनी पड़ेगी इन्वेस्टमेंट के बाद, फिर ताकि आप फोकस करें अपने इस प्रोडक्ट के डेवलपमेंट पे और इसकी सेल्स पे, मिलकर बड़ी कंपनी बना। मुझे ग्रांट दिया था 5 लाख रुपीज। उसके बाद जब मैं डेवलपमेंट दिखाने लगी तो द नेक्स्ट ग्रांट वो BIG होता है 50 लाख रुपीज का। मैं काम की थी 1 साल तक, तो उसका भी पर्सनल इन्वेस्टमेंट में लगाई थी इसका अंदर, टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज 1 करोड़ 16 लाख। अभी आपने शुरू कर दिया सेल्स वगैरह? यस सर। सो हम लोग ये 4 मंथ्स में वी हैव सोल्ड नियरली 12 डिवाइसेस। 10 डिवाइसेस सिर्फ हॉस्पिटल्स में हुआ है, जो हॉस्पिटल्स में यूज करके जब घर जाता है तो हमसे ऑर्डर करता है। अच्छा। और हमारा ये ऑर्डर्स पाइपलाइन में है फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑल्सो फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके श्रुति, 2-3 प्रोडक्ट के क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। यस सर। शावर व्हीलचेयर जो मार्केट में आती है, उसमें आप इसी व्हीलचेयर को मूव करके जो बाथरूम में पॉट होता है उसके ऊपर ले जाके खड़ा कर देते हैं, एंड द सेम प्रोसेस पॉट पे हो जाता है। व्हाई डू इट इन द रूम? रूम में क्यों करें? शावर व्हीलचेयर में आप बैठते हो, पूरा टॉयलेट करने के बाद फ्लश भी कर लेते हो, लेकिन क्लीन करने के लिए फिर भी आपको असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। एंड नॉट ओनली दैट सर, द पीपल whom we are targeting are from the low income and middle income group. They cannot afford shower wheelchair. आपने असेसमेंट किया है, अनुमान लगाया है कि इंडिया में व्हीलचेयर की मार्केट कितनी बड़ी है? व्हीलचेयर मार्केट होता है 800 करोड़। 800 करोड़, काफी छोटा मार्केट। तो आप इसको क्या इंटरनेशनल लेके जाएंगे? I would like to take it globally. That was another reason why we have filed a PCT covering 140 countries. Got it. One more question. Yeah. आपने कहा कि ये आपने बनाया है गरीबों के लिए। Yes sir. लेकिन आपका प्राइस पॉइंट है 40,000 रुपए। तो ये एक बहुत बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक है, इनर्शिया। इसके बारे में क्या विचार है आपके? सर अभी के लिए हम लोग इसको फाइनेंसिंग मॉडल में लेना चाहते हैं। वी हैव टाइड अप विद बजाज फिनसर्व, एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम वी विल आल्सो मेक इट अफोर्डेबल सच दैट इट विल सेल इन द नॉर्मल व्हीलचेयर प्राइस। ओके श्रुति, यस आई हैव मेड अप माय माइंड। मुझे सबसे बड़ी बात यह लगी कि आपने अपना दुख डायरेक्ट कर दिया है एक मकसद की तरफ, और जो आपकी एनर्जी बाहर आई, तो यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ गट्स, स्पार्क एंड हंगर। तो मैं आपको भी बैक करना चाहूंगा। मेरे नाना जी भी औरों की तरह ये हालात से गुजर चुके हैं, लेकिन मैं इतना आई वॉज नॉट लकी कि इनकी तरह उनकी सहायता कर पाऊं। तो शायद I can make up with this by joining Amit. Ye itni closely samajh paaye ye problem. Yeah. I think he's the best guy. So if he wants, I'll join him. Even I would like to join Amit. Aur main hospital connects aur doctor feedback ke saath kaafi had tak aapki help kar paunga. To chaliye hum teeno milkar 1 crore rupees ka offer kar rahe hain for exactly what you asked, 10%. So we'll all get 3.33%. Congratulations. Very well deserved. You're really a phenomenal entrepreneur. मैं इसमें आपकी ज़्यादा मदद नहीं कर पाऊँगी, एंड आपके पास बहुत, आपने जो मांगा था वो ऑफर है, एंड 3 sharks हैं जो इसके बारे में आपके जितना पैशनेट हैं। तो एट दिस मोमेंट आई विश यू द बेस्ट, आई एम आउट, बट एनी हेल्प यू एवर नीड फ्रॉम मी, आई एम यू नो जस्ट अ कॉल अवे। थैंक यू मैम। श्रुति, आप पता है एक ना, मैं हमेशा बोलता हूँ, मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है, हसल हार्ड स्टे हम्बल, आप में दोनों चीज़ें थी। ऐसे हम क्यों नहीं बैक करेंगे? आई एम ऑल्सो इन विद दीज गाइस, 3 of them। कॉन्ग्रेचुलेशन, हम 4 जुड़ गए हैं हम ऑफर में। तो श्रुति, मैं इस इंडस्ट्री को बहुत अच्छे समझता हूँ। मेरी मोबिलिटी में ऑलरेडी 5 investments हैं। Okay. इतनी डिटेल में मैं इस प्रोडक्ट को जानता हूँ, क्या मटेरियल्स हैं, आई इवन हैव द फुल नेटवर्क, राइट? और ये इंडस्ट्री में 50,000 रुपए में कुछ नहीं बिकता है बॉस। लेकिन वो तो वो कह रही है ना, 10-12 हजार का कॉस्ट लाएंगी, और इतनी क्षमता है। अगर आपको इसको ड्यूअल पर्पस
व्हीलचेयर बनाना है ना, तो हमें इसके डिजाइन पे और काम करना पड़ेगा ऑन द एस्थेटिक फैक्टर. डेफिनेटली राइट. तो इसमें जुड़ना चाहूंगा मैं. आई कैन आई वुड लव टू जॉइन ऑल ऑफ देम. चलिए श्रुति, ऑल वॉन्ट टू बैक यू टूगेदर. वो आएंगे, 1 करोड़ देंगे आपको और 10% ऑफ योर बिजनेस लेंगे. जस्ट द डील दैट यू आस्क्ड फॉर. डील पक्की. कांग्रेचुलेशंस. कांग्रेचुलेशंस. वांट टू गिव यू अ बिग हग. चलिए कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू सो मच. शार्क्स, आज डिलिशियस पास्ता और नूडल्स खाने का हो रहा है मन, पर वी ऑल नो इट्स अनहेल्दी फॉर आवर टन. मैं हूँ टेस्टी और फैटनिंग फूड से एडिक्टेड. मेरा नाम है मिस्टर विकेट. खाता हूँ मैं सिर्फ हेल्दी फूड. मैं हूँ मिस्टर गुड. ये घास फूस वाली डाइट पर एक ही दिन चलती है. असली खुशी तो मैदे वाले पास्ता और नूडल से ही मिलती है. चीट डे का हो गया चीट वीक. एटलीस्ट अब तो करो सैलेड को पिक. अरे लड़ना बंद करो गाइस. व्हाई कांट वी हैव द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स. ऐसा खाना जिसमें हो दाल चावल के हेल्दी इंग्रेडिएंट और पास्ता और नूडल्स का डिलिशियस टेस्ट जो खुश करे आपका मूड. प्रेजेंटिंग विकेट गुड. नमस्ते शार्क्स, मैं हूं सोमालिया विश्वास. मैं भूमन दानी. और मैं मुनीश देवना. हम मुंबई से हैं और हम हैं फाउंडर्स विकेट गुड. हमने पास्ता और नूडल्स के कोर इंग्रेडिएंट मैदा को रिप्लेस किया है दाल चावल चना आटा और ओट्स के साथ, ताकि आपको मिले एक विकेट टेस्ट और गुड इंग्रेडिएंट्स का बहुत ही डेडली कॉम्बो. हमारे इंस्टेंट नूडल्स जो बने हैं वो स्कैड टेक्नोलॉजी से बने हैं, इसलिए उनमें 0% ऑयल रहता है और केमिकल्स MSG, लेड, फ्लेवर एनहेंसर्स जैसे कोई भी हानिकारक केमिकल्स का हम बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते. विकेट गुड की प्रोडक्ट्स की सेल्स जर्नी शुरू हुई अक्टूबर 2021 में. हमारा वेबसाइट wicketgood.com के अलावा हम लोग Amazon, बिग बास्केट, स्विगी, इंस्टामार्ट जैसे सैकड़ों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में ऑलरेडी अवेलेबल है. हमारे प्रोडक्ट्स को ऑलरेडी 4 देशों में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं. मार्च 2023 तक विकेट गुड के प्रोडक्ट्स 6 शहरों के शेल्फ्स में मिलने के लिए एब्सोल्युटली तैयार है. हमारी आस्क है 50 लाख इन एक्सचेंज फॉर 1% ऑफ इक्विटी. सो शार्क्स, हमारा मिशन है टू अनजंक इंडिया 1 किचन एट अ टाइम. आपको बाद में आप लोग कुछ खाना लाए हो ना? जी दे दो, फिर ले जाएंगे रास्ते. ये जन्मों का भुक्कड़ है. पहला होगा स्पगेटी जो कि है स्पाइसी रेड सॉस में, दूसरा है मैक्रोनी इन पिंक सॉस और तीसरा है मसाला इंस्टेंट नूडल्स. बहुत अच्छा यार, इससे अच्छा खाना नहीं खाया मैंने. वेरी गुड गाइस, वेरी गुड. इसमें मैं मेकआउट नहीं कर पा रहा कि मैदा का बना है कि वीट का, सिमिलर ही आ रहा है. मतलब एग्जैक्टली एग्जैक्टली दैट्स व्हाट द वैल्यू प्रॉप इज राइट. जीत गया ना. मेरे पैसे आज ही डबल चाहिए मुझे. वैसे हो गए डबल. हो गए. भाई हो ही गए डबल. इतना तक बोल दिया तो बोल दो क्या वैल्यूएशन पे डाले थे अमन ने. वो उन्होंने प्रीसीड राउंड में इन्वेस्ट किया जो कि था 17 करोड़ पोस्ट मनी वैल्यूएशन. ठीक है, समझ गए. वेलकम टू शार्क टैंक का सीजन 2 का फिनाले एंड लवली पैकेजिंग, लवली ब्रांडिंग. वेरी गुड.
एंड आप तीनों कहाँ से हैं? मेरा बॉर्न एंड ब्रॉटअप हुआ बॉम्बे में, फिर मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बिट्स पिरानी से, फिर मैंने अपना MBA किया INSEAD से, फिर मैं प्लेस हो गया बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप इन देयर लंदन ऑफिस। 2016 में मैं इंडिया आया और मैंने अपना पहला स्टार्टअप स्टार्ट किया जो कि था प्रीमियम टी और कॉफी स्पेस में, ब्रांड का नाम था TGL। कितने स्केल पे पहुंच गया था TGL जब आपने छोड़ा? 18 crore ARR। बहुत अच्छे। और आप ही CEO हैं? मैं ही CEO हूं। और बाकी दोनों आपको कैसे मिले ये लोग? जब ये बार हमें शुरुआत करनी थी तो वी वॉन्टेड टू स्टार्ट विद अ स्लाइटली वाइडर ऑडियंस, जैसे कि नूडल्स। गुड पॉइंट। ऑलमोस्ट 15,000 crore का मार्केट है। अच्छा। तो जब ये हमने शुरू किया तो मुझे मालूम था अगर 10,000 crore प्लस वैल्यूएशन की ब्रांड 5 साल के अंदर बनानी है तो किकैश टीम की जरूरत रहेगी। तो तब मैं मिला मुनीश को एक कॉमन फ्रेंड से और सोमालिया को लिंक्डइन से। ग्रेजुएशन मैंने BBA में किया है विद स्पेशलाइजेशन इन IT। MBA मैंने मार्केटिंग एंड PR में किया। उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स में एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी ज्वाइन किया। 4.5 years वहीं पे काम किया। बाय द टाइम आई लेफ्ट मैं की अकाउंट्स लीड था HUL, Mondelez, पार्ले जैसे दिग्गज कंपनीज के साथ काम करने का मेरे को मौका और प्रिविलेज मिला। और आप दोनों ने जिंदगी में जितने काम हो दोनों मिलके आपने कर ही लिए, तो ये बेचारे ने क्या किया? यहाँ से MBA, यहाँ से इंजीनियरिंग, यहाँ काम। आई एम अ लिटरेचर स्टूडेंट, तो स्टोरी टेलिंग ऐसे खून में ही है और कंज्यूमर बिहेवियर में मैंने मास्टर्स किया हुआ है। वेल डन। और साची एंड साची में मैंने एक मैनेजमेंट ट्रेनी जैसा ज्वाइन किया। आई हैव लॉन्च्ड फोक्सवैगन इन इंडिया बैक इन 2009 to 2011। आपकी टीम में सेल्स मार्केटिंग अच्छे सब कुछ मिल गए हैं पिलर, एक चीज़ फूड टेक्नोलॉजी या फूड का इंटरेस्ट किसमें है? हमारे अलावा 3 और एडवाइजर्स हैं। गुड। तो वो हमें हेल्प करते हैं इन R&D इनिशिएटिव्स। जो अपने एक और शुरू में पिच में एक टर्म यूज किया था स्कैट टेक्नोलॉजी नूडल्स। यस यस। वो क्या है वो भी समझाइए थोड़ा सा। तो स्कैट एक्चुअली स्टीमिंग कन्वेक्शन एंड एयर ड्राइंग टेक्नोलॉजी है जहां पे हम अपने नूडल्स को डीप फ्राई नहीं करते। कोई भी इंस्टेंट नूडल्स आप पकड़ लीजिए सब डीप फ्राइड होते हैं। रियली? या। आपके कंपेटिटर्स कौन है, आपका USP क्या है, बताइए। ऐसे बहुत मे बी 1 या 2 कंपनीज होंगे वो भी स्टार्टअप स्पेस में जो कि ये बना रहे हैं, लेकिन अगर हमारा प्राइसिंग आप देखेंगे उनके कंपैरिजन में वी आर वेरी इकोनॉमिकली प्राइस्ड। तो मैगी के मुकाबले जो डोमिनेंट है आपकी प्राइसिंग सेम यूनिट पे कितनी पड़ती है? जो मैगी आटा और ओट्स होता है वो भी अराउंड 25 rupees में अवेलेबल है। हमारा प्राइस पॉइंट 45 rupees फॉर अ सिंगल केक है। About 2x। Got it. And at scale can you match their price? Yes. अच्छा, now let's move to pasta. Yes, please. उसमें competitors हैं जिनके पास ये सब है? Healthy pasta में भी है, जैसे Pink Harvest. लेकिन Pink Harvest का प्राइस है 2,000 rupees a kilo. हमारा प्राइस है 400 rupees a kilo. तो आपका मेन प्रोडक्ट नूडल है या अभी पास्ता है? पास्ता से शुरू किया और 3 महीने पहले हमने नूडल लॉन्च किया। 3 महीने में हमने 40-50 हज़ार से भी ज्यादा नूडल पैकेट बेच दिए। आपका मंथ और मंथ ग्रोथ क्या है? हमने जुलाई में 19.5 lakh रेवेन्यू क्रॉक किया था और हमने लास्ट मंथ अराउंड 35 lakh क्रॉक किया है। तो मंथ ऑन मंथ ऑलमोस्ट 15-20% से ग्रोथ दिख रहा है। यूनिट इकोनॉमिक समझ लें कि पैसे भी बन रहे हैं, बन रहे 400 रुपए का और एवरेज ऑर्डर वैल्यू है। हाँ जी। उसमें अराउंड 60% ग्रॉस मार्जिन है, तो 240 रुपीज हो गया। हाँ। उसमें से फिर चैनल मार्जिन होगा रफली अबाउट 15%। 60 रुपए लगे ना? करेक्ट। फिर उसमें लॉजिस्टिक्स कॉस्ट आएगा 125 रुपीज, तो 40-50 रुपए बच जाते हैं। करेक्ट। और फिर 200 रुपए मार्केटिंग में जाते हैं। आपका पर ऑर्डर 150 का लॉस है, मैं सही समझ पा रहा हूँ मैंने जो मैथ करी? करेक्ट। टोटल कितना बर्न कर रहे हो पर मंथ? अराउंड 50 लाख एबिटडा नेगेटिव है पर मंथ। पर मंथ ऑन 35 लाख सेल्स? करेक्ट। बाप रे भाई क्या कर रहे हो। आपने काफी फंडिंग उठाई होगी जो अमन वाला राउंड था उसमें? हमने टोटल 13.25 करोड़ उठाई है फंडिंग। इतने पैसे उठा लिए तो पहले तो ये मार्केट बहुत क्लटर्ड मार्केट है। एज एन इन्वेस्टर मुझे पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी दिख नहीं रहा है एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट बट डिलीशियस पास्ता। एक मेरा क्विक सवाल है, आप अपने चारों ओर देख रहे हैं 3 महीने से 2 महीने से क्या हो रहा है पर्टिकुलरली फूड में? एब्सोल्युटली। कंपनीज रेज नहीं कर पा रही है? करेक्ट। कंपनी शट डाउन हो रही है? करेक्ट। Because there is no proposition. Correct. You three are extremely smart and very qualified. तो मैं समझ सकता हूँ कि 3-4 महीने के पहले तक
आपका बर्न तेजी से चल रहा है, आप एक ग्रोथ मॉडल पकड़ के बैठे क्योंकि मार्केट उसको सपोर्ट कर रही थी, पैसा डाल रही थी। लेकिन दो तीन महीने से आपने क्यों नहीं इसको पिविट करके एक प्रॉफिटेबिलिटी की ओर बढ़ाया? देखिए एनवायरनमेंट में जो हो रहा है, एंटरप्रेन्योर उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। करेक्ट, उससे एजिलिटी पता चलती है। मुझे यहाँ से आपका रास्ता आगे बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मुझे नहीं लगता है कि आज मैं आपके साथ जुड़ पाऊंगा, सो आई एम आउट। गुड लक टू यू। तो आपने पहले एक लाइन कही थी 10,000 करोड़ ना जी का ब्रांड बनाऊंगा मैं। मेरे को फंडामेंटली लगता है कि ये जो मोटिवेशन है ना 10,000 करोड़ ब्रांड बनाने की, यहीं पे फॉल्टर हो जाता है। क्योंकि आप वो 10,000 करोड़ के पीछे इतनी तेजी से भाग रहे हैं, वो लोग आते हैं ना मुझे यूनिकॉर्न बनना है। एंड अगर आपका वो मोटिव नहीं भी नहीं है, नेवर से दैट अगेन। वो मेरा गोल नहीं है। पर आपने बोल दिया ना अभी, तो मेरे को आई विल टेक दैट, सो आई एम आउट फॉर दैट। मैं भी इस डील से अभी के लिए आउट होना चाहूंगी। आई थिंक वैल्यूएशन जो है वो बहुत ज्यादा ऑफ है, तो अभी तो बात बन नहीं पाएगी। आप लोग ने इतने जल्दी जल्दी पैसा रेस किया है तो आप इनोवेशन पर अपना मन कर चुके। अगर मैं होता 200 रुपए मार्केटिंग में खर्च हो रहा है एक ऑर्डर पे, मेरा तो सुन के वहां फायर हो गया था दिमाग, मतलब क्या कर रहे हो, रीसेट मारो अपने धंधे को मेरे व्यू में, या ऐसे मत चलाओ। दिल की एडवाइस दे रहा हूँ, मतलब तुम्हारी कंपनी वैसे ही बंद हो जाएगी अगर ऐसे चलाते रहो। आज मैं बाहर होना चाहूंगा, फंडामेंटल में अलाइन नहीं हो पा रहा आपके डीएनए से। थोड़ा वक्त अमन के साथ आप बिताएं। थोड़ी एनर्जी, एनर्जी कहाँ थी एनर्जी? अगर मैं यहाँ इन्वेस्टर अभी आप लोगों की पिच सुनता ना, मैं भी इन्वेस्ट नहीं करता। जैसे पीयूष ने बोला, इन्वेस्टमेंट के पीछे क्यों भाग रहे हो आप, इसी को बड़ा करो ना अभी। जैसे पीयूष ने बोला कि खाना अच्छा लगा, टेस्ट अच्छा लगा, उसको लेवरेज करो ना यार। थैंक यू, परफेक्ट, बट आपने मेरे पैसे डबल कर दिए, अब 4 गुना कर दिए। थैंक यू, थैंक यू। लेकिन अमन, अमन लास्ट 2-3 महीने में इनको एजिलिटी दिखानी चाहिए थी। यू शुड टेल देम दैट आई शुड हेल्प देम मोर। शार्क्स, मेरे नाम चिकी सरकार है एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली। I'm a publisher of a publishing startup. मुझे पता है ये founder के जो दुनिया है ना, बहुत scary है। ना सोचिए, सब जो Indian का founder, उन लोगों को एक mentor मिल जाए। ऐसे mentor जो उन लोगों का बात सोचना इतना sharp है, सारा देश को inspire कर सकते हैं। Now where will we find this mentor? किधर मिलेगा? Sharks, I want to make my pitch to you. The ultimate book for the Indian founder. Kya baat hai? The name of this book is called The Shark Tank India's Guide to Launching a Startup. And it will feature you 6 sharks. Incredible. Let's see the cover. On this beautiful cover. ये किताब में सब कुछ रहेगा। There will be tips, strategies, और बहुत सारा कहानियाँ। And the idea is that an entrepreneur can read it, और वो पढ़कर सोचेगा, I too can be great. I can be like the sharks on this stage. देख मैं तेरे लिए क्या लाया। क्या
डैड, नीति ये बोरिंग लेदर बैग हर रोज ऑफिस लेकर आती है। लेकिन मैं क्या करूं? मार्केट में तो इसी तरह की बैग मिलती है। शख्स यही तो प्रॉब्लम है आज। बैग्स हमारे अटायर और स्टाइलिंग का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है, लेकिन मार्केट में मिलती है वही डल और बोरिंग या तो ब्लैक या तो ब्राउन कलर की लेदर बैग। और अगर मैं कुछ हटके और कलरफुल लेना चाहती हूँ तो मिलती है एक्सपेंसिव डिजाइनर बैग्स, जिनको खरीदने में तो जेब ही खाली हो जाती है। चाहे मेकअप किट रखनी हो या सैनिटरी प्रोडक्ट्स, कीज रखनी हो या कैश, बैग्स तो लेडीज की लाइफ लाइन है ना यार। बैग्स की इस कैटेगरी में कोई ट्रेंडी कलरफुल बैग्स क्यों नहीं बना? टेंशन मत लो, माईशा है ना। नमस्ते शार्क्स, मैं हूँ ऐशा शाह। मैं नयन शाह। और मैं नील बोरा। हम अहमदाबाद से हैं और हमें फाउंडर्स ऑफ माईशा। ये बैग्स बनते हैं इको फ्रेंडली मटेरियल्स जैसे कि कॉटन स्लग, जकार्ड, बर्लैप और जूट जैसे फैब्रिक्स। ये बैग्स हाई क्वालिटी होने के साथ साथ अफोर्डेबल भी है। हमारे पास 25,000 से ज्यादा कस्टमर्स हैं और हमने 50,000 से ज्यादा बैग की सेल की है। हमारा प्रोडक्ट आपको हमारी वेबसाइट maishalifestyle.com और मार्केट प्लेस जैसे कि नाइका और अमेजोन पे मिल सकते हैं। हमारी प्रोडक्ट ही नहीं, हमारी ब्रांड भी न्यू एज है। वैसे तो ट्रेडिशनल बिजनेसेस एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन माँ बाप अपने बच्चों को हैंड ओवर करते थे, लेकिन मैंने एक न्यू एज अप्रोच लेते हुए अपनी बेटी ने स्टार्ट किया और बिजनेस ही ज्वाइन कर लिया। हमने साथ में मिलकर बनाया ये दमदार न्यू एज ब्रांड। हमारा विजन है कि हम हर एक लेडी और वुमेन की वार्डरोब में एक माईशा बैग जरूर देखना चाहते हैं। हमारी आस्क है 75 lakhs फॉर 3% इक्विटी इन आवर कंपनी। शार्क्स, अलीबाबा का तो पता नहीं, लेकिन अब आपको मिलेगा बैग्स का खजाना विद माईशा। साथ में काम करने का कुछ इक्वेशन बताइए, डायनेमिक्स बताइए अपने आपस में। सो व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिविटी, डिजाइनिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हो गया, उसमें मैं डट के मेरी जिद पे ही रहती हूँ दैट दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। बालाजी, ही नोज यू आर द बॉस। आई हैव अ वेरी बिग रोल टू प्ले इन द क्रिएटिविटी। मेरा रोल क्या है मैं बता देता हूँ, विनीता और नमिता समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। हूँ नड़तो नदी है मैं। इसका मतलब बोले तो आई डोंट फाइट हर, मतलब मैं उससे पंगा नहीं लेता हूँ, करेक्ट ना? बिल्कुल। No points of guessing कि ऐशा तो CEO है। नहीं, my father is the CEO. We'll अच्छा वहाँ तक है। Yes. आप तीनों में से कौन क्या-क्या संभाल रहा है अभी कंपनी में? Clarity दे दो, मैं थोड़ा confused हो गया हूँ। She is the creative head. तो उसके दो main काम हैं, concept से लेके pilot production तक, she is the one who handles everything. We are very very strong on social media. तो social media पे जो content creation जो है वो पूरा उसका जिम्मा है। मेरा काम है ऑपरेशंस, नील का काम है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। मैं असम्पशन कर रहा हूँ आप बूटस्ट्रैप हैं अब तक? यस सर। इक्विटी स्प्लिट क्या है? 50-50। थैंक यू। हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं जस्ट। है मतलब जो वजन है बैग में वो तो बहुत अच्छा है। ओनली क्वेश्चन आई हैव इज वो जो डिजाइन लैंग्वेज जो कहा जाता है, एक ब्रांड की एक एस्थेटिक स्टाइल है, वो कंफ्यूजिंग है। एक डिफरेंशिएटर नहीं, आप कोई भी बड़े डिजाइनर की बैग देखें तो आपको दूर से समझ में आता है कौन से डिजाइन है, क्योंकि एक डिजाइन लैंग्वेज होती है, एक टाइप की ब्रांडिंग होती है। यहाँ वो बात नहीं दिख रही है, एटलीस्ट मुझे। Can we see your Insta page? Of course. Yeah. So that's our Instagram page. We have about 2,40,000 followers on Instagram. Awesome. Engagement? हमारी हर एक रील पे 50,000 से लेकर 2.6 million views भी आए हैं. And I'm extremely passionate crazy about. Crazy good, मतलब. I love it. दिखाना जरा कोई content खोल के दिखाना कोई reel.
का फोकस है स्टोरी बिहाइंड द ब्रांड. यस दैट हैज ऑलवेज. ये हेडफोन कौन सा है अंकल? बोट का है सर. वेरी गुड. सही जवाब. चेक रेडी, चेक रेडी. आप ये बताइए मार्केटिंग का खर्चा कितना है मंथली आपका? 24% ऑफ रेवेन्यू सर अप्रोक्सीमेटली होगा. लास्ट मंथ कितना खर्चा किया था मार्केटिंग में ये पूछ रहा था. वी मस्ट हैव स्पेंट अबाउट 11 लाख रुपीस. इंस्टा फेसबुक एड्स बेसिकली. कितने लोग आपके रिपीट करते हैं ऑर्गेनिकली? 20% और वो पेड मार्केटिंग से नहीं आते, वो अपने आप ही आते हैं या वो भी पेड मार्केटिंग से लाते हैं वापस? नहीं नहीं सर, वो अपने आप ही आते हैं. मेरे प्रोडक्ट के प्राइसेस बता दो. आपके हाथ में जो बैग है वो 1449 की है. सारे बैग इस रेंज में राइट? एक चीज तुमसे पूछनी दोनों से, ये बैग सस्ता होगा महंगा होगा? ये अफोर्डेबल है, काफी अफोर्डेबल माना जाएगा. 1450 ये बैग के लिए अफोर्डेबल. अच्छा अच्छा, अभी सेल्स पे आते हैं. सो वी स्टार्टेड इन 2018, चार महीने का हमारा सेल था 5 लाख रुपीज. 1920 में था 23 लाख रुपीज. 2021 में था 73 लाख रुपीज. 21-22 में था 2.92 करोड़. और ये साल हम लोगों ने 3.5 करोड़ का सेल अभी तक किया है. जो जंप आया 73 से 2.92, उसका क्या प्राइमरी कारण था? कोविड के आने के पहले हम लोग केवल एग्जीबिशंस के थ्रू हमारे प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करते थे. 2020 में कोविड खत्म होने के बाद तुरंत ही हम लोगों ने खुद की वेबसाइट लॉन्च की, जिसमें हम लोगों ने 73 लाख का सेल अचीव किया. अच्छा, पिछले महीने कितनी सेल हुई आपकी? 47 लाख. और लास्ट 3 महीने में ग्रोथ क्या है? पिछले 3 महीने की बताऊँ तो अगस्त महीने की थी 50 लाख, सितंबर मंथ की थी 65 लाख, और अक्टूबर मंथ की थी सर 47. ये साल कितना करेंगे आप? नेट रेवेन्यू बताइए, ग्रॉस रेवेन्यू नहीं. नेट ऑफ जीएसटी इट विल बी अबाउट आई थिंक अबाउट 6.5 करोड़. पिछले महीने प्रॉफिट कितना था 47 लाख में? इट अबाउट 10%. 4.5 लाख रुपए आपने कमाए पिछले? यस. और वो जनरली चल रहा है आपका एवरेज 10% का? यस यस सर. ओके गॉट इट. और इन्वेंटरी कितने दिन की है आपके पास? हमारी इन्वेंटरी है अभी करीब 40 डेज. ऑलमोस्ट सब सेल थ्रू हो रहा है. जब मेरा डिसीजन बन गया है, मुझे आपकी ये फैमिली डायनेमिक्स बहुत पसंद आया, दैट्स वेरी नाइस. हैंडबैग का मार्केट बहुत क्लटर्ड है, और मैं काफ़ी सारे एग्जिबिशन स्टोर्स जाती हूँ, गिफ्टिंग के लिए देखती हूँ, ऐसे कोई एक डिज़ाइन USP मुझे दिख नहीं रही है. तो फैक्ट क्या आप 6.5 करोड़ कर रहे हो इज़ फिनोमिनल, एंड वो एक आपका मार्केटिंग स्ट्रेंथ दिखाता है. पर मुझे नहीं लगता है कि दिस इज स्केलेबल जहाँ मुझे एग्जिट मिलेगा एज एन इन्वेस्टर, एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट. बट फैंटास्टिक जॉब. मेरे को स्केलेबिलिटी इशू लग रहा है इसमें, और एक सजेशन मैं ये दूंगा कि डिज़ाइन अच्छे हैं, आई एम नॉट सेइंग बैड है, बट एक कहीं पे एक कॉमनैलिटी डिज़ाइन लैंग्वेज जो होता है ना, कहीं पे कुछ टच डाल दो कि देखते ही दूर से बता दे अरे ये तो मायशा है. सॉरी फॉर नाउ बट आई विल बी आउट. थैंक यू अमन. पहली बात ऑफ कोर्स आपका रेवेन्यू एंड आपका प्रॉफिट एंड यू नो अभी तक जो स्केल किया है फिनोमिनल, बट उससे भी ज़्यादा फिनोमिनल है आई थिंक आपका कॉन्टेंट गेम. बैग्स की ब्रांड में सब वही घिसा पिटा काम करते हैं कि बैग की इन्फ्लुएंसर के साथ पिक्चर लगाओ. ये जो स्टोरी आपने बनाई है और यू नो ऑफ ओरिजिन ऑफ द बैग और कम्युनिटी आपकी जो बना रही है इस बैग्स को, उनकी स्टोरी ये बहुत अलग एंड डिफ्रेंशिएटेड है, और मुझे लगता है कि आजकल के यंग लोगों को यही सारा कॉन्टेंट से जेन्युइन ऑर्गेनिक एंगेजमेंट लाने का एक जरिया है. मेरी एक इन्वेस्टमेंट है, एक कंपनी है आप जानते होंगे ZOOK. Yes. वो अभी 4-5 करोड़ मंथ का कर रही है. ऐसा नहीं है कि मल्टीपल ब्रांड्स नहीं आएंगे, पर इसमें काफी एक पोल पोजीशन ले ली है ZOOK ने. Correct. तो वहां पे आपका ब्रांड क्रिएट करना और टफ होता जाएगा, तो अभी मैं आपके साथ इसमें पार्टनर नहीं कर पाऊंगी. पर कीप अप द गुड वर्क ऑन इंस्टाग्राम. आई थिंक लॉन्ग रन में आप अपना डिजाइन लैंग्वेज भी फिगर आउट कर लोगे एंड ब्रांड बड़ा बना पाओगे. मैं भी इससे बाहर होना चाहूंगा. आई थिंक आपका सबसे बड़ा चैलेंज आएगा फैमिली डायनामिक्स, बिकॉज अभी बिजनेस 7-8-10 करोड़ का है, बट 100 करोड़ का बिजनेस बनाने के लिए एंड टू रेज कैपिटल आई थिंक यू विल हैव टू सॉर्ट आउट इक्विटी स्ट्रक्चर, ओनरशिप. आई जेन्युइनली थिंक ऐशा यू विल हैव टू बिकम द सीईओ for you to raise capital in private markets. Not because sir is not capable, but ye is brand pe aap likhe hue ho. You know, this is your baby.
एंड यू हैव टू इवेंचुअली, आज नहीं कल नहीं कभी फ्यूचर में, जब ये एक सर्टन स्केल पे जाएगा यू विल हैव टू टेक चार्ज ऑफ दैट शिप फॉर इट टू गो. पर आज मैं बाहर हूं एंड फिनोमिनल जॉब. मैं पूरी तरह कन्विंस नहीं हो पा रहा हूं कि जिस तरह से आप कह रहे थे कि बहुत डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग है, आई डोंट फुली बाय इट. क्यों? आई कांट एक्सप्लेन इट. इंस्टिंक्ट कहिए, जो भी कहिए, मुझे लग रहा है कहीं वो इक्विटेबल नहीं है और आगे जाके आपको इसमें तकलीफ होगी. सो थिंक अबाउट दैट. आई एम आउट गाइस. थैंक यू. मेरे को ना आप लोग के साथ मिलके मजा आया. मैं हमेशा एक स्पार्क ढूंढता हूँ फाउंडर में, और आपका इंस्टाग्राम का स्किल है वो अनपैरलल्ड है. मतलब घर बैठ के इतना जबरदस्त ऑर्गेनिक मार्केटिंग करना, मैंने बहुत रेयरली देखा है. Agreed. तो आपने जो किया है वो काबिले तारीफ. इसमें जो मेरा मेन जो कंसर्न आ रहा है, आई विल बी वेरी कैंडिड, इज अबाउट एक इन्वेस्टर अगर आता है तो ये बहुत फैमिली टाइप का बिजनेस लग रहा है. स्केलेबल इन्वेस्टेबल एंटरप्राइज बिजनेस अभी मेरे को नहीं लग रहा है. पर मैं फिर भी आपके इसलिए जोड़ना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि शायद मैं आपको मेंटोरशिप दे पाऊं. मेक इट अ एंटरप्राइज एटलीस्ट. डेफिनेटली. मेरा ऑफर है आपको 75 लाख का, जिसमें 10 लाख मैं इक्विटी में डालूंगा, 1% 10 करोड़ वैल्यू लगाइए कंपनी की, बाकी 65 लाख डेट पे है एट 18%. सीईओ साहब बताइए. The new CEO, sir, will tell you. Amazing. Yeah, hui na baat. Ye pehle kehte to shayad do aur offer mil jata. Amit, we would like to go for it. Awesome. Dil patti. I'm glad you did not negotiate. Good decision. Bahut acha. Bahut acha. Good decision. Good deal. कुछ मिलके बड़ी एंटरप्राइज बनाएंगे. Yes. इनके इनकी नेगेटिव्स मैं बता दूंगा जिनसे आपको बचना है. Thank you. आज शार्क एक्सपीरियंस में विनीता सिलवासा से हंसा का सवाल है, आपको शार्क टैंक इंडिया में कभी डायरी में कुछ लिखते नहीं देखा और आपको सब याद रहता है, कैसे करते हो ये? मुझे बचपन से मैथ्स बहुत पसंद है और मेंटल मैथ करने की आदत है. मैं कभी कोई रेस्टोरेंट में घुसती हूँ तो मैं कैलकुलेट करने लगती हूँ कितने टेबल्स हैं, कितने लोग आते होंगे, कितना रेवेन्यू होगा. तो मुझे आदत है नंबर्स को अपने दिमाग में याद रखने की, उनके साथ कंटिन्यूसली मैथ करने की. तो इसलिए शार्क टैंक में जब पिक्चर्स आते हैं वो कोई भी नंबर बोलते हैं मुझे याद रह जाता है और मैं उसको अपने दिमाग में कैलकुलेट कर रही होती हूँ. तो इसलिए मुझे कभी डायरी में कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती.